देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को आम जनता के साथ साथ साधु संतों ने भी सुना। इस मौके पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों की आत्मा का उन्नयन हुआ है और भारत फिर विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को हरिद्वार के सभी कार्यालयों, ITI समेत ग्राम सभाओं में भी सुना गया, जिसके लिए सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा कई कार्यक्रम में साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सभी भारतवासियों का आज मेला है। मन की बात का 100वां एपिसोड जो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व रिकॉर्ड में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देने और उनकी बात सुनने के लिए जो संतगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। सभी का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। मोदी ने भारत के उन्नयन की दिशा में कार्य किया। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों की आत्मा का उन्नयन हुआ है और भारत फिर विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। पता ही नहीं था, लेकिन लोग सभी रिकॉर्ड बन रहा है। विश्व के रिकॉर्ड में सीधे वो गरीब देश के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। कि हिमालय, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे हैं और भारत की संस्कृति के उन्नयन की दिशा में, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, और चाहे वो उज्जैन का महाकाल हो, और चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों वाराणसी सहित देश के ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक ऐसे स्थल का अयोध्या हो, वो मोदी जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक आत्मा का उन्नयन हुआ है बहुत तेजी से। जो विश्वगुरु भारत जिस दिशा में बढ़ रहा था, साधु संत का जो आशीर्वाद पूरी दुनिया के लोगों को मिलता था, अब वो बहुत तेजी से फिर वही विश्वगुरु भारत बनने की दिशा में आगे है। और इसीलिए सारे संत गणता आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को हरिद्वार गंगा के तट से है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।